बांसवाड़ा जिले के पांचों विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा ने चार चार प्रत्याशियों के नाम की घोषणाएं कर दी है। रविवार रात को जारी कांग्रेस की सूची में टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को जगह मिल गई है। वहीं घाटोल से कांग्रेस ने इस बार फिर हारे हुए प्रत्याशी पर दाव लगाया है, तीसरी बार उन्हें फिर मौका दिया है। अब देखना है कि पार्टी के भरोसे पर नाना लाल नीनामा कितना खरा उतरते हैं। बामनिया वर्तमान में मंत्री और मुख्यमंत्री के विश्वस्त हैं। कांग्रेस में बांसवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी को लेकर पहले से ही मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का नाम तय था, जिसके पीछे उनका वर्तमान में मंत्री होना तो है ही, साथ ही वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त मंत्रियों में से एक हैं। यही कारण है कि 2.5 साल पहले सरकार गिरने के डर से मुख्यमंत्री ने निर्दलीय विधायक रमीला को लाने के लिए मंत्री बामनिया को स्पेशल चार्टर से बांसवाड़ा भेजा था। घाटोल में नीनामा का विरोध जरूर है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाजी मार ली है। घाटोल से नानालाल नीनामा का टिकट तो वैसे तय ही था, लेकिन विरोध काफी देखने को मिला। करीब 2-2.5 महीने पहले महंगाई राहत कैंप के तहत घाटोल विधानसभा में सभा के दौरान सीएम गहलोत ने नानालाल नीनामा की तारीफों पर टिकट पक्का होने का संकेत तभी दे दिया था। फिर भी टिकट पक्का करने में नीनामा को मशक्कत जरूर करनी पड़ी है। जिले में दोनों ही पार्टी ने चार चार प्रत्याशियों के पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन दोनों के लिए एक एक सीट ऐसी है जहां फैसला ले आना आलाकमान के लिए आसान नहीं दिख रहा है। जहां भाजपा में बांसवाड़ा विधानसभा सीट से 3 मजबूत उम्मीदवारों के बीच फैसला करना है, तो कांग्रेस में गढ़ी विधानसभा सीट के लिए पूर्व विधायक कांता भील का चेहरा तो है ही, लेकिन विरोध वहां थम नहीं रहा है। लेकिन पूरे विधानसभा में अच्छी पकड़ रखने वाला बड़ा चेहरा पार्टी को नहीं मिल रहा। टिकट मिलने की सूचना पर कार्यकर्ता बामनिया को लेकर गांधी मूर्ति चौराहे पर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़े से जश्न मनाया और आतिशबाजी की। इस दौरान मंत्री बामनिया ने राष्ट्रीय आलाकमान में राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया और प्रदेश में सीएम गहलोत की फिर से सरकार बनने का दावा किया।